कलर रेजोल्यूशन एंड बैंडविड्थ। देखिए जो बैंडविड्थ होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज की होती है, ये तो हमने किया ही है, और जो अमेरिका की टीवीज होते हैं उनकी बैंडविड्थ 4 मेगाहर्ट्ज की होती है, ये स्टैंडर्ड होती है। इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिटेल की मोनोक्रोम में, वो उसकी बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज रहेगी। जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ये बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज की ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ही जरूरी होती है, कलर के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती इसी बैंडविड्थ की, कलर वीडियो सिग्नल के लिए। क्योंकि जो ह्यूमन आईज होती हैं उनका जो कलर रिस्पॉन्स होता है वो चेंज होता है साइज और ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज होगा उसके साथ वो चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो आईज क्या करती हैं, सिर्फ ब्राइटनेस को देख सकती हैं कलर के कंपैरिजन में स्क्रीन पे। तो इसमें क्या होगा, जो कलर जो आईज में होगा वो लिमिटेड ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या होगा कि जो रिजल्ट आता है हमारे वीडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट का वो 1.5 मेगाहर्ट्ज का होगा। यानी कलर इंफॉर्मेशन, ये कह सकते हैं कि जो कलर इंफॉर्मेशन होती है उसे कम बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू मोनोक्रोम डिटेल की, जो मोनोक्रोम वीडियोस होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट उनके कंपैरिजन में, और वो जो होती हैं इजीली उसे देख सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं हमारी आईज जो हमारे ब्लैक एंड कलर होती हैं। और जो चैनल की बैंडविड्थ होती है वो ये मोनोक्रोम ट्रांसमिशन के लिए अलॉट की जाती है। ये हमारे कलर रेजोल्यूशन एंड बैंडविड्थ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।